देखिए, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। तो एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, ठीक है ना। शेप कैसा दिखाई पड़ेगा वाटर टैंक का, कुछ इस तरीके से। वाटर टैंक है, इसमें पानी भरा जा सकता है, ठीक है ना। चलो डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों। एक क्यूबॉइडल टैंक आप लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये देखिए, ये क्यूबॉइडल टैंक है आपके पास, सही है। और इसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर लॉन्ग है, यानी कि एल का वैल्यू कितना है, बोलिए। 6 मीटर ये लेंथ है। फिर क्या है, वाइड कितना है, ये जो चौड़ाई है इसकी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 मीटर। और हाइट कितनी है, ये रही हाइट इसकी, 4.5 मीटर डीप। डीप मतलब कितना गहरा है, वो कितना गहरा है वही तो उसकी हाइट होगी, सही है ना। ये कितना गहरा है वही तो उसकी हाइट होगी। तो एच इज इक्वल्स टू 4.5 मीटर्स, ये हो गया, सही है ना। कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। बच्चों इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है ये हमें बताना है, यानी कि हमको इस कंटेनर की या इस टैंक की कैपेसिटी बतानी है कि उसकी क्षमता कितनी है, उसमें कितना पानी आ सकता है, सही है। हमने कल आपको पढ़ाया था क्या कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम निकाल लो, सही है ना। जो लिक्विड इसमें डालोगे वो लिक्विड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जवाब है इस टैंक का जितना स्पेस है, सही है ना। तो जो कैपेसिटी होगी, कभी भी किसी भी कंटेनर में लिक्विड या गैस जब फिल करता है तो जो कंटेनर का कैपेसिटी होता है, यानी कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही लिक्विड का वॉल्यूम होता है। तो लिक्विड यहाँ पे कौन सा डाला जा रहा है, पानी। तो कितना पानी होल्ड कर सकता है, जवाब इसका वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान दें, जब इसका वॉल्यूम आप निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे, लेंथ मीटर में, ब्रेथ आपकी कितनी है मीटर में, हाइट भी मीटर में, तो आंसर मीटर क्यूब में आएगा। वॉल्यूम हमारा किस में आएगा, मीटर क्यूब में। लेकिन इन्होंने आपको वॉल्यूम किस में पूछा है बताइए, लीटर्स में पूछा है। और आपकी एनसीईआरटी में एक हिंट दिया हुआ है कि टेक 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो सभी बच्चे याद कर लें कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000, ठीक है। लेकिन पता है ऐसे नहीं, एग्जाम में आपको ये नहीं दिया रहेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। जो भी वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर्स में। हम बता देंगे कितने लीटर वाटर में आ सकता है। लेकिन ध्यान दें, आपको पहले ये फील होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर क्यों होते हैं। आइए जरा हम आपको बताते हैं। सुनो बच्चों, ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, आपने देखा है 1 लीटर लिखा रहता है उस पर, कितना लिखा रहता है 1 लीटर। तो उसमें जो लिक्विड आता है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। वो तो आप पहचानते हो, समझ गए। 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदेगा, देखिएगा उसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक है, वही 1 लीटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोल्ड ड्रिंक पी जाइए आप, बोतल खाली हो गई, ठीक है। अब सुनो, बोतल खाली रख लो, बताओ इस बोतल का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अरे कोल्ड ड्रिंक तुमने खत्म कर दी, अभी खाली होगी बोतल, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझा, सुनो आप एक काम करो, ठीक है, आप एक सीमेंट का टैंक बनवाओ, मिस्त्री को बुला लो, उसको बोलो भैया एक काम करो एक टैंक बना दीजिए। तो बोलेगा जरा कहाँ बना दें, तो आप बोल दो हमारे आंगन में या कहीं छत पे बना दीजिए, कहीं पे बाहर बना दीजिए। बोले क्या कैसे बनाए, तो उसको बोलो कि देखो भैया 1 मीटर का लेंथ लेना, 1 मीटर का क्या लेना, ब्रेथ लेना, और 1 मीटर डीप होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, ये एक बंदा आया बेचारा, ठीक, इसको तुमने पैसे दिए, इससे तुमने बोला भैया एक टैंक बना दीजिए हमारे लिए पानी का, ऊपर से ना ओपन कर दीजिएगा, खोल दीजिएगा, ऊपर से पानी डाल दोगे ना उसमें, भर दोगे, तो क्यूबॉइडल टैंक, ऐसे क्यूबॉइडल बोल रहा हूँ, सॉरी क्यूब शेप का एक टैंक आप बना लेना। क्यूब शेप का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, टैंक मैं ऐसा बनाने के लिए बोल रहा हूँ बच्चों, बात समझिए जरा, बता रहा हूँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये, ठीक है, ये क्यूब, ये एक क्यूबिकल शेप का टैंक है। कैसा शेप का है, क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब शेप इसका कैसा है, क्यूब है, ठीक है ना। क्यूबॉइडल लिखा होता तो ऑल द साइड्स इसके इक्वल, ऑल द एजेस इक्वल नहीं होता, अभी ऑल द एजेस इक्वल है, लेकिन आपने उससे क्या बोला, बोला भैया इसकी जो लेंथ रखना वो भी 1 मीटर रखना, ब्रेथ भी कितनी रखना, 1 मीटर, और हाइट भी कितनी रखना, 1 मीटर। अरे चेक करो, क्यूब ही तो है, क्यूब का एज क्या होता है, इक्वल एज क्या होता है, जहां दो फेस आके मीट करते हैं, ए की वैल्यू दी है कि नहीं है, ए है ना, ए क्या होता था, एज, 1 मीटर लिया, ये भी क्या है 1 मीटर, और ये भी क्या है 1 मीटर, कोई डाउट है। जो लेंथ है वही ब्रेथ है वही हाइट है, ठीक है, लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, और हाइट भी 1 मीटर। ये आपने उससे बोला, वो बना के चला जाएगा। अब सुनो, बन के तैयार हो गया ये, अब मेरी बात ध्यान सुनो, आप इसका वॉल्यूम निकाल लो। चलो, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, एच का क्यूब, एच को आपने ए से दिखाया है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, बताइए। लेंथ कितनी है बताओ, 1 मीटर, ब्रेथ कितनी, 1 मीटर, और हाइट कितनी, 1 मीटर। तो 1 into 1, 1, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 मीटर क्यूब है। अब सुनो, पता है ये टैंक कितना बड़ा होगा, एहसास कर सकते हो आप लोग, ध्यान से चेक करिए, 100 सेंटीमीटर में
वन मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर समझते हो, ये स्केल हमारा 38 सेंटीमीटर का है, लगा लो हिसाब आप, ये बड़ा वाला स्केल है 38 सेंटीमीटर का है, तो 100 सेंटीमीटर इतना होता होगा कुछ लगभग, 38 से ज़्यादा 100 सेंटीमीटर, तो यही 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट, इतना बड़ा टैंक होगा भाई, छोटा टैंक नहीं है। अब सुनो, ये जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खाली करी थी इस पर कितना लिखा हुआ था, 1 लीटर। अब आप जाओ एक बड़ा सा कहीं दूसरा कंटेनर रखा है, ठीक है, या तो टुल्लू पंप चला लो, जो भी करना हो कर लो, ठीक है, इसमें पानी भरो, एक बार भरो, टैंक में ला के डालो, टैंक भर जाएगा क्या बताओ, नहीं भरा, फिर से इसमें पानी भरो, टैंक में ला के डालो, भरा क्या, नहीं भरा, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आप क्या देखोगे, जैसे ही 1000 टाइम्स डालते हैं इसमें, बॉटल कितने की है, 1 लीटर की है, 1000 टाइम्स जब डाल दोगे तो एकदम लबालब एकदम सरफेस तक भर जाएगा ये पूरा, और जैसे ही अगली बॉटल डालोगे 1000 के बाद तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके वॉल्यूम हमने दो तरीके से निकाले, एक तो मैथमेटिक्स की हेल्प से निकाला, क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, लेकिन 1 लीटर की इसमें कितनी 1000 बॉटल डालते हो आप, एक सॉरी कितनी 1000 कहते हैं, सॉरी 1 लीटर की बॉटल में पानी भर के आप इसमें कितनी बार डालते हो, 1000 टाइम्स डालते हो, हाँ, तो इसमें बताओ कितना पानी आया, बताओ इसमें कितना पानी आया, इसने कितना पानी होल्ड किया, 1000 लीटर होल्ड किया, अरे भाई 1 बॉटल में 1 लीटर आता है, 1000 टाइम्स डाल के मैं कह रहा हूँ भर गई है ये, तो कितना पानी आया होगा बताओ, 1000 लीटर्स आया, एल का मतलब लीटर्स, अब एक बार बताओ इसका कैपेसिटी कितना हो गया, 1000 लीटर, कैपेसिटी क्या होता था, वॉल्यूम ही तो होता था, सही है ना, तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000, कोई डाउट है, आप इस क्यूब, जो क्यूब, जिस क्यूब का साइड या एज कितना है, 1 मीटर का है, एज का मतलब समझ गया ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्यूब के जिस क्यूब का एज कितना है, 1 मीटर है, उसका जो वॉल्यूम होगा ना, आप चाहे बोलिए 1 मीटर क्यूब है, और उसका वॉल्यूम आप चाहे बोलिए 1000 लीटर है, बात क्या है, सेम है, हम चाहे बोले कि इसमें 1 मीटर क्यूब वाटर आता है, उतना ही पानी होगा वो, और हम चाहे बोले इसमें 1000 लीटर पानी आता है, बात क्या है, सेम है, इसलिए एनसीईआरटी आपसे बोलता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 लीटर। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, जैसे कि हमने बोला 2 मीटर तक चले जाओ, कोई बंदा आ रहा आपसे कह रहा 200 सेंटीमीटर चले जाओ, बात तो सेम है ना, हाँ, दूसरा वाला सेंटीमीटर की भाषा में बात कर रहा है, अरे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 ना, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 200, तो दूसरा बंदा आपसे कह रहा 200 सेंटीमीटर चले जाओ, मैं कह रहा हूँ 2 मीटर चले जाओ, पहुँचोगे तो वहीं ना, डिस्टेंस तो वही चलोगे ना, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी यूनिट चेंज करने से, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जितना पानी इसमें आ रहा है उतना ही आएगा, आप चाहे उसको 1 मीटर क्यूब बोल दीजिए और चाहे आप उसको 1000 लीटर बोल दीजिए, कोई डाउट है, तो आज से अगर आप लोग भूल जाएंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो ये आप एक टंकी बनवा लीजिएगा, एक टैंक बनवा लीजिएगा 1 मीटर एच का, आपको पता चल जाएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब। फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के बारे में सोचोगे कि 1 लीटर की बॉटल लाए, कोल्ड ड्रिंक पी गए, खाली हो गई, और इसी बॉटल से हमको इस टैंक को भरना है, तो 1000 बार राउंड लगाना पड़ेगा आपको, यानी कि इसमें कितना पानी आ गया, 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। अब इन्होंने पूछा आपको क्यूबॉइडल टैंक का लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और हाइट दिया हुआ है, आप क्यूबॉइडल टैंक का क्या निकाल लीजिए, पहले वॉल्यूम, वो वॉल्यूम किस में आएगा, मीटर क्यूब में, जो भी आए हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000, तो जितना मीटर क्यूब आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर, कोई डाउट है, ओके, तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, हमने यहां निकाला क्या कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक हमने निकाल दिया, कितना आएगा बताइए, डायरेक्ट कर दें समझ जाओगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, और याद रखिए कभी भी इन तीनों डायमेंशंस में से, लेंथ ब्रेथ हाइट में से, अगर एक भी सेंटीमीटर में दिया है तो या तो आप सबको सेंटीमीटर में कर लो या तो आप सबको मीटर में कर लो, ओके, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ऐसा नहीं कि पता लगा 2 डायमेंशंस आपको लेंथ और ब्रेथ मीटर में दिए हैं और तीसरा आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो पहले सबको एक यूनिट में ही चेंज कर लेना, या तो सबको सेंटीमीटर में या तो सबको मीटर में, वो तो क्वेश्चन को देखते हुए करा जाता है कि क्या हिसाब चल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, चलो अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर क्या करेंगे बताइए, 6 5 क्या होता है, बोलिए 30, ये देखिए 6 5 क्या हो गया, 30 हो गया, यहां आ गया 30 और ये आ गया आपका 4.5, सही है, मीटर क्यूब, अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, सही है, ये वाला 0 या फिर 10 1 10 और 10 3 क्या हो जाएगा 30, अब 3 इंटू क्या बच जाएगा 45, 3 इंटू 45 कितना होगा, 3 5 15 1 जाएगा, 3 5 15 1 कैरी जाएगा, 3 4 12, 12 प्लस 1 कितना होता है 13, तो कितना आ गया बताइए, कितना आ गया 135 मीटर क्यूब, ये क्या है वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइडल टैंक का, तो इतना ही
वाटर्स में आ सकता होगा, लेकिन वाटर हमें किस में निकालना है, लीटर्स में। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द टैंक, दैट दिस टैंक कैन होल्ड, दैट दिस टैंक कैन होल्ड, इसको ब्रैकेट में, दैट दिस टैंक कैन होल्ड, इसको ब्रैकेट में लिखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट दिस टैंक कैन होल्ड इन लीटर्स, इन हमको आंसर किस में निकालना है, लीटर्स में। तो बच्चों 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000, तो इतने सारे मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 135 इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 1000, और फिर आंसर किस में आ जाएगा, लीटर्स में। सुनो, लीटर्स में पता है क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो डेली भाषा, डेली कॉमन लाइफ में हम लोग जो भाषा में बात करते हैं, लीटर्स में बात करते हैं। कभी आपने सुना है कहीं शादी बारात हो तो कहते हैं भैया पानी मंगवा दीजिए जरा टैंकर से, बोलेंगे कितना मंगवा दें, जब भी पानी वानी की जरूरत होती है, ये थोड़ा ना कहते हैं कि 135 मीटर क्यूब पानी मंगवा दीजिए, सुना है कभी नहीं, लीटर बड़ा फेमस है, इसलिए आंसर लीटर में निकलवा रहा है। कोई लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो लीटर में मेजर किया जाता है उसका वॉल्यूम, इसलिए हम लोग लीटर, हमें समझ में आता है कि कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल है 1 लीटर की वाली, तो समझ गए ना, तो यहां से हम लोग हिसाब लगा सकते हैं कितना आ जाएगा, बताइए 135000 लीटर। देखिए इतना सारा पानी है बच्चों इस क्यूबॉइडल टैंक में, 135000 लीटर है, यानी कि अगर हमें इस वाले क्यूबॉइडल टैंक को अगर भरना पड़ जाए, सोचो हम आपकी ड्यूटी लगा दें इससे कि 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, इसमें पानी ले लेके इसको भरो, बहुत दिन तक भरते रहोगे, क्योंकि 135000 बार आपको डालना पड़ेगा, 135000 टाइम्स आपको डालना पड़ेगा, तब वो टैंक भरेगा। कोई डाउट है, तो ये फील करने का तरीका है। ओके, कर लीजिए।